रैम्बो फिल्म की कहानी क्या है? क्या ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म से भी बड़ी होने वाली है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। सिल्वेस्टर स्टेलोन की मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी रैम्बो की 4 फिल्में आ चुकी हैं। उन्हीं में से 1982 में रिलीज हुई पहली फिल्म फर्स्ट ब्लड का हिंदी रिमेक बनाया जा रहा है। इसमें लीड रोल टाइगर श्रॉफ करेंगे और वहीं उनका फर्स्ट लुक भी आ चुका है। खुद स्टेलोन ने टाइगर का ये लुक इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी थी। ये कहानी भारतीय सेना की एलीट कोवर्ट यूनिट के आखिरी बचे मेंबर की है जो युद्ध में हिस्सा लेकर लौटता है, तो देखता है कि वहां भी एक तरह का युद्ध उसका इंतजार कर रहा है। उसे न चाहते हुए भी फिर से लड़ना पड़ता है उन लोगों से जो ये नहीं जानते कि वो अपनी मौत को बुला रहे हैं। रैम्बो खतरनाक जंगलों और हिमालय के पहाड़ों पर उनका मुकाबला करता है और कयामत बरसाता है। उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इससे पहले भी एक हॉलीवुड रिमेक बनाई थी ऋतिक रोशन के साथ। उनकी एक्शन एडवेंचर फिल्म बैंग बैंग हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे की रिमेक थी जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। रैम्बो के हिंदी राइट्स उन्होंने बहुत महंगे खरीदे हैं, इसीलिए इस फिल्म के निर्माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी शूटिंग काफी टाइम पहले शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रैम्बो हॉलीवुड से भी बड़ी फिल्म बन पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज़।